पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा बनने पर जो विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब की जनता को कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ये बयान दिया था कि उनकी सरकार आने पर पंजाब के युवा वर्ग को इस नशे के दलदल से अवश्य निकालकर समाज में उनकी एक पहचान बनाएंगे, वह नशा बेचने वालों को कुछ ही हफ्तों में सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे। वहीं इस नशे के खात्मे की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के तंदा के नूरदी अड्डा के नजदीक आरके मेडिकल स्टोर पर पुलिस विभाग व जिला हेल्थ विभाग के द्वारा इस दुकान पर छापेमारी की गई। इस अवसर पर आरके मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर व पुलिस अधिकारियों को यहां से 3 प्रकार की नशीली दवाइयां बरामद की है, जिसका कि इस मेडिकल स्टोर के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। वहीं मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर ने यूजे न्यूज के पत्रकार विजय अरोड़ा को बताया कि पंजाब में नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम को जारी रखेंगे व इस मेडिकल स्टोर पर कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी। श्री अनिल कुमार इंस्पेक्टर नारकोटिक सेल दे नाल असीं एक दुकान मिसल आर के मेडिकल स्टोर मूवी रोड तरन तरन से चैकिंग की गई। ये कोलों मालक के कोलों 3 तरह की दवाइया मिली जिन्हों के ये परचेज बिल नहीं दिखा सकिया, जिन्हों के ट्रैमाडोल टपेंटाडोल एल्प्राजोलम के सॉल्ट सके, इनू ये बारे परचेज बिल पूछे गए, परचेज बिल नहीं दिखा सके। मौके से रिपोर्ट तैयार की गई है, जो उच्च अधिकारियों फर्दर एक्शन भी भेजी है। सर इन्हें की कोई अथॉरिटी इन्होंने अपनी नाम दी है जो किसी दुकान इन्हों को लाइसेंस ही है, लाइसेंस इन्हों को रिटेल सेल लाइसेंस है इन्होंने दवाइया सर ये दवाइया जीडिया इन्होंने को जो परचेज रिकॉर्ड नहीं दिखा सके वो नशे लिए वरती जा सकती है। वैसे वो दवाइया ने नशे लिए भी वरती जाने मिसयूज होंगे उन्होंने, तो इन्हों को जो मौके के उत्ते सू परचेज रिकॉर्ड अच्छा दिखा नहीं सके दवाइया, तो उन्होंने रिपोर्ट जी अभी रिपोर्ट नोट डाउन कर लिया सारे सॉल्ट, तो अभी जो मेरे सोरल सेंसिंग अथॉरिटी मेरे हायर बॉस ने उन्होंने भेज। यूजे न्यूज़ के लिए तरन तारण से विजय अरोड़ा की रिपोर्ट।